हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को माइकम की रस्सी से एक झूमर बनाना सिखाऊंगी। ये जो झूमर है मैंने वाइट और पिंक कलर की रस्सी से बनाया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कि चलिए मैं आप लोगों को उसको बनाने के लिए किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में बताती हूँ। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि झूमर को बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने दो कलर की रस्सियों से बनाया है, वाइट और पिंक, और एक हमें छल्ले की जरूरत पड़ेगी जो पर हैंगिंग के लिए, एक लाइटर और सीजर, और एक छल्ले की जरूरत जो पड़ेगी हमें 6 इंच की छल्ले की जरूरत पड़ेगी, और कलरफुल लटकन और कलरफुल मोती की जरूरत पड़ेगी। और जो रस्सी है पिंक कलर की है, 10 रस्सियाँ मैंने जो ली है ये 2 मीटर में 10 रस्सी ली है, और इसके बाद हमें 15 रस्सी और जरूरत पड़ेगी जो 1.15 मीटर की होगी। मैं यहाँ पे ऊपर वाले छल्ले के लिए हमेशा ही चूड़ी का यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक की। प्लास्टिक की चूड़ी का यूज़ करने से हमारा ये फ़ायदा होता है, यह आसानी से हैंग भी हो जाती है, मोटी होती है, क्योंकि छल्ला जो होता है वो पतला होता है जो आसानी से हैंग नहीं होता है। और चूड़ी आप लोगों को घर में आसानी से मिल भी जाती है। और ये जो मैंने 10 रस्सियाँ 2 मीटर की ली थी उनको बराबर करके मैंने छल्ले में से डाल ली है, और उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा 1/2 मीटर की वाइट कलर की कॉर्ड लेंगे, उससे स्क्वायर नॉट लगाएंगे। स्क्वायर नॉट लगाने के लिए पहले लेफ्ट साइड का से लूप बनाएंगे और राइट साइड का धागा उसमें डाल के निकालेंगे, फिर राइट साइड का लूप बनाएंगे और दूसरी साइड का धागा उसमें डाल के निकालेंगे। और जब एक स्क्वायर नॉट लग जाएगी उसके बाद हम सारे धागों को अच्छे से खींच लेंगे जिससे कि धागे टाइट हो जाएं। इस तरीके से हमें 10 स्क्वायर नॉट लगानी है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ, उसी तरीके से स्क्वायर नॉट लगानी है। जब हमारी स्क्वायर नॉट लग जाएगी तो हमारा बचा हुआ धागा उसे कैंची की मदद से काट कर लाइटर की मदद से पीछे की साइड चिपका देंगे। अब सारे धागों को में से 4 धागा लेंगे और 4 धागे से अलग अलग पहले स्क्वायर नॉट लगाएंगे, 2 धागे बीच में लगेंगे रखेंगे और अगल बगल धागों से स्क्वायर नॉट लगाएंगे, 2 स्क्वायर नॉट लगाएंगे, और फिर उसके बाद 1 मोती डालेंगे, फिर 2 स्क्वायर नॉट लगाएंगे, फिर मोती डालेंगे, फिर 2 स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इस तरीके से हम एक लड़ी तैयार करेंगे 4-4 धागों की। तो 4-4 धागों की लड़ी तैयार होगी, वो 5 लड़ी तैयार होगी बन। मैंने 4-4 धागों से मोती डालते हुए ये लड़ी बना ली है, 1, 2, 3, 4, 5। एक लड़ी में मैंने 5 मोती डाले हैं और फिर इसके उसका स्क्वायर नॉट लगाई है, और इस तरीके से ये हमारी 5 अलग अलग लड़ी तैयार हो गई है। अब हम एक 6 इंच का छल्ला लेंगे और एक एक करके जो धागे हैं लड़ी के 4-4 उसको इस छल्ले में रैपिंग करेंगे। पहले एक धागे को रैप छल्ले के नीचे की साइड से रखेंगे, घुमाए एक बार रैप करेंगे और फिर 2 बार रखेंगे, एक धागे को हम 2 बार रैप करेंगे। इस तरीके से दूर दूर हम 5 धागों को इस छल्ले में रैपिंग करते हुए जोड़ देंगे।
अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पांचों धागों को दूर दूर करते हुए चारों छल्लों में रैप कर दिया है। उसके बाद मैंने 1.15 मीटर की कॉर्ड ली है, उसको बराबर किया है और उसको नीचे की साइड से कर कर जोड़ा है और एक बार एक साइड रैप किया, एक बार एक साइड रैप किया। इस तरीके से मैंने इसे छल्ले में जॉइंट किया। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से मैंने जॉइंट किया। इसी तरीके से हमने एक कॉर्ड को जॉइंट कर लिया है, अब दूसरी कॉर्ड को जॉइंट करेंगे। नीचे की साइड से रखेंगे और उसमें डाल के खींचेंगे, फिर एक धागे को एक साइड रैप करेंगे और एक धागे को दूसरी साइड रैप करेंगे। इस तरीके से हम जो गैपिंग है उसके बीच में तीन तीन धागे को जॉइंट करेंगे। हर गैप में बीच में तीन धागे जॉइंट होंगे और इस तरीके से पूरा रिंग हमारा भर जाएगा और हमारे तीन गैप के हिसाब से 15 धागे इसमें जॉइंट होंगे हर गैप में। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने धागे जॉइंट कर लिए हैं पूरे में छल्ले में, अच्छे से छल्ले को मैंने भरते हुए। अब मैं एक वाइट कलर का कॉर्ड लूँगी, जो कॉर्ड है 3 मीटर का कॉर्ड है वाइट कलर का, और इसे एक साइड का धागा हम थोड़ा 1 मीटर के लमसम रखेंगे और दूसरे साइड का धागा ज़्यादा रखकर छल्ले के बीच में से निकाल लेंगे और एक बार ऊपर की साइड से रैपिंग करेंगे, एक बार नीचे की साइड से रैपिंग करेंगे, एक बार ऊपर की साइड से करेंगे, एक बार नीचे की साइड से रैपिंग करते हुए 5 बार हम ये डिजाइन बनाएंगे और उसके बाद जिससे हम रैपिंग कर रहे हैं धागे से उस वाले धागे में मोती डालेंगे और उसके बाद फिर से 5 बार सेम डिजाइन हम लोग बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को डिजाइन बताया था उस तरीके से मैंने ये डिजाइन बना लिया है। 5 बार ऊपर, एक बार धागे से करके, एक बार नीचे करते हुए डिजाइन बनाया है 10 बार, उसके बाद मोती डाला है, फिर 10 बार मैंने बनाया है। अब फिर जो धागा है जिसमें हम रैप कर रहे थे उस वाले धागे को छल्ले में से डालेंगे 2 बार करके, एक बार करा फिर दोबारा से करके रैपिंग करते हुए फिर इसको छल्ले में जोड़ दिया है। अब उसके बाद फिर से पहले धागे के ऊपर दूसरे धागे से जिस तरीके से मैंने पहले आप लोग को डिजाइन बताया है 10 बार करना है, फिर मोती डालना है, फिर 10 बार करना है, उस तरीके से डिजाइन हमें बनाना है। आप देख सकते हैं कि पूरे रिंग में मैंने उस तरीके से डिजाइन बना लिया है। लास्ट में फिर धागा हम छल्ले से में डालेंगे और पीछे की साइड से दोनों धागे को कर कर खींच के अच्छे से 2 बार गांठ लगा कर धागा है हमारा कैची की मदद से काट कर लाइटर की मदद से पीछे की साइड चिपका देंगे। इस तरीके से ये पूरा वाइट कलर से हमने रिंग में डिजाइन बना लिया है। आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने घर को डेकोरेट करने के लिए बनाने सिखाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं, उसको बनाना सीख सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारा फुल बनके तैयार हो गया है। अब जो हमारे जो धागे हैं उसको हम पहले छोटा धागा काटेंगे, दो दो धागे को लेंगे, पहले सबसे छोटा धागा काटेंगे, उसमें मोती डालेंगे दोनों धागों में करके और एक धागे में लटकन डालेंगे और उन दोनों धागों को आपस में लाइटर की मदद से जोड़ देंगे। हम इसमें जो धागे लटकाएंगे वो पहले छोटा धागा लटकाएंगे, फिर उसे थोड़ा बड़ा, फिर उसे थोड़ा बड़ा, फिर उसे थोड़ा बड़ा करते हुए सारे धागों में जिस तरीके से मैंने एक में लटकाए मोती डाला है, लटकन लटकाई है, इस तरीके से मैं सारे धागों में मोती डालूंगी और लटकन लटकाऊंगी।
आप लोग का देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, छोटे से बड़े करते हुए पूरे मैंने लटकन लटकाते हुए डिजाइन पूरा बना लिया है। अब जो छल्ला चूड़ी का मैंने लगाया था इसको हम रैप करेंगे। इसके लिए हम एक अलग पिंक कलर का धागा लेंगे, उसे पीछे की साइड से चिपका कर एक बार ऊपर की साइड से रैपिंग करेंगे और एक बार नीचे की साइड से रैपिंग करेंगे। मुझे छल्ले का इस तरीके से भरने का डिजाइन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरीके से ज़्यादा कर अपने छल्ले भरती हूँ। और भी डिजाइंस हैं और आप लोग देखना चाहते हैं कि और कौन कौन से डिजाइन से छल्ले को भरने के लिए, तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वो जाके देख सकते हैं किस तरीके से हम छल्ले को भर सकते हैं। और इस तरीके से ये हमारा छल्ला भर जाएगा पूरा और हमारा ये झूमर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से पूरा छल्ला रैप हो गया, जो धागा बचा है उसे कैंची की मदद से काट कर लाइटर की मदद से हम पीछे चिपका देंगे और ये हमारा पूरा झूमर बनके तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी नई नई चीज़ें से सीखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। ये झूमर का आप लोग फुल लुक देख सकते होंगे कि टांगने के बाद कैसा लग रहा है, और आप भी अपने घर में से बना के इस तरीके से टांग सकते होंगे। और नई नई वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू।